तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अगेन से अपने इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अगले दिन के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगले दिन मतलब कल 14 मार्च को एक बहुत ही बड़ी सी ट्रैप जोन हमें देखने के लिए मिल सकती है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। और ये ट्रैप जोन को आपने ज़रूर से नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से स्कैल्प लेके मतलब मार्केट में प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। अब प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि कल के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वही शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का हमने चार्ट खोल के रखा हुआ है। ये है एक डे टाइम फ्रेम, और डे टाइम फ्रेम में मैंने कल वीडियो में बताया था कि मार्केट आज की अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट यहाँ तक करेगा। ठीक है, अब ये जो हमें फ्री फॉल देखने के लिए मिला, ठीक है, ये हमें जो फ्री फॉल देखने के लिए मिला है, ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्या रीज़न रह सकता है, देखो मार्केट ना विदाउट एनी रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दे रही है सीधा ही, है ना, देख सकते हो यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। तो विदाउट एनी ग्रीन कैंडल हमें सिर्फ रेड कैंडल्स ही देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। अब ये एक बहुत ही बड़ी सी सपोर्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो मार्केट में बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट की, और अभी तक मार्केट ने इसका हमें ब्रेकडाउन नहीं दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के लेवल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स। अब इसका रीज़न क्या है, कहाँ से हमें पता चला, अब देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने हमेशा एक अपना नया लोअर हाई बनाया। ठीक है, पिछला जो स्विंग था अब तक मार्केट ने उसको टच नहीं किया, और बिना टच किए ही मार्केट ने यहाँ पे डाउनफॉल दिया। अब आप देख सकते हो इस लेवल की भी मार्केट ने पूरी रिस्पेक्ट की, और यहाँ से हमें फिर से एक फॉल देखने के लिए मिला, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही प्यारी सी कन्फर्म हो जाती है कि ये सपोर्ट अब बहुत बार टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, सेलर के जो स्विंग बने हुए हैं वो धीरे धीरे लोअर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे देख सकते हो। और ये एक और स्विंग बन गया मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो अग्रेसिवली एक्टिव हैं। बायर्स अपनी पोजिशंस को ज़रूर से यहाँ पे एग्जिट करेंगे, बट यहाँ पे अगर आप बोलो कि हमें कल एक बहुत बड़ा सा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट में एक फॉल आना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, तो इस वजह से मार्केट में हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कल के क्या लेवल्स रह सकते हैं। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स, आप देख सकते हो ये एक ब्लैक एरिया बहुत ही बड़ा हमें कल मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट 324 पॉइंट्स का ये एक ब्लैक एरिया है। यहाँ पे मार्केट में क्या होगा, कल एक जोन में मार्केट जा सकती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पी साइड के प्रीमियम्स में एकदम से जंप हुआ है और सी साइड के प्रीमियम्स एकदम से डाउन चले गए हैं। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कल मार्केट हमें इस एरिया में दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो छोटा छोटा सा स्कैल्प करेंगे, या तो कल की मार्केट को हम इग्नोर करेंगे, कब तक, और जब तक मार्केट इस एरिया के नीचे नहीं आ जाती है, या फिर इस एरिया के ऊपर नहीं चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस जोन में अगर मार्केट एंटर करती है तो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के साथ हमारा जो टारगेट रहेगा डाउनवर्ड साइड का वो ये रहेगा। अब कीप रिमेंबर, यहाँ पे डाउनवर्ड साइड में मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी सी हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। यहाँ से नीचे जाना मार्केट के लिए अब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट अगर नीचे जाती रहेगी तो ये दिक्कत की बात है। बट फिर भी अगर मार्केट इसे ब्रेक कर जाती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट डाउनवर्ड साइड का ये रहेगा। ठीक है, अब ये इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी सी सपोर्ट है। मुझे पता है मार्केट कल इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी, बट इन केस अगर कर भी देती है तो हमारा इसके बाद का टारगेट रहेगा 38,671 का। ठीक है, अब अगर मार्केट
सो कैंडल्स अगर इस जोन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे जाती हैं तो हमारा ऊपर साइड का जो टारगेट है आपके सामने यहाँ पे रहेगा 40,195 का। इन केस ये हमें यहाँ तक भी लेके जा सकती है। अब यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकती है डाउनवर्ड साइड की, ठीक है। तो अपसाइड की मार्केट का अभी हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इन केस अगर मार्केट में कल गैप अप हो जाता है तो मार्केट के जो ऊपर के लेवल्स हैं आप सबके सामने हैं। अब ये हमारा लास्ट लेवल रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमें ज़रूर से एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। अब ये एक बहुत ही बड़ी सी जोन है, ठीक है, तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना। अब मुझे पता है कि कल मार्केट इस जोन में रह सकती है काफ़ी देर, ठीक है, प्रीमियम्स को डीके किया जाएगा। तो यह है आप सबके सामने बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स। अब चलते हैं सीधा निफ्टी 50 में। ओके, सो सेम लाइक बैंक निफ्टी, हमें निफ्टी में भी एक बहुत ही बड़ा सा एरिया देखने के लिए मिलेगा कल मार्केट में। यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम्स को डीके किया जाएगा, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया कि पी साइड के प्रीमियम्स एकदम से शूट हुए हैं, जिसकी वजह से हमें एक रेंज बाउंड मार्केट कल देखने के लिए मिल सकती है। ये एक मार्केट का रिकवरी मोड होता है जहाँ से प्रीमियम्स को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अब इन केस अगर मार्केट इस जोन के नीचे आ जाती है तो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के साथ हमारा जो डाउनवर्ड साइड का टारगेट रहेगा स्पष्ट, वो रहेगा 17,142 का। अब ये अगर आप ट्रेल करोगे इसको, ट्रेलिंग के साथ आप इसको अप टू रख सकते हो 17,107 तक का। अब यहाँ से हमें एक बहुत ही प्यारी सी रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकती है मार्केट में, ठीक है। अब एनी हाउ अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो आप सबके सामने डाउनवर्ड साइड के लेवल्स भी हैं वहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं। तो डाउनवर्ड साइड के लेवल्स कल मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब अपसाइड की बात कर लेते हैं। सो अपसाइड में अगर मार्केट इस जोन के ऊपर चली जाती है विद 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग, तो सेम आपके सामने लेवल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। बट रिमेंबर, ये एक बहुत ही बड़ी सी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनी हुई है, इसको ब्रेक करना अब मार्केट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। अब जब भी मार्केट इन केस इस जोन में आ भी जाती है तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी फास्ट मूवमेंट की एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस बना हुआ है। अब मार्केट इसको ब्रेक करती है या नहीं करती है वो तो चलो बाद की बात है, बट अभी के लिए यहाँ पे मार्केट में ये एक बहुत ही प्यारा सा रेसिस्टेंस है। तो यह है निफ्टी के लेवल्स आप सबके सामने। प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर से नोटिस करना, इसमें आप हमेशा स्कैल्प करना, क्योंकि यहाँ पे ना एक रैंडम कैंडल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओके, सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जाते जाते आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर इनको हाइड कर रहा हूँ लेवल्स को, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जी जी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को फिबोनाची यूज़ करने आता है तो वो देख के बता सकते हैं यहाँ पे कि एक हमें बहुत ही प्यारी सी रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकती है अप टू यहाँ तक, या फिर यहाँ तक की रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए ज़रूर से मिलेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 17,371 तक अभी मार्केट जो है एक रिट्रेसमेंट ले सकती है। और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। तो 40,074, सॉरी, तो 40,074 का लेवल मार्केट अभी टच कर सकता है, ठीक है। अगर फिबोनाची यूज़ करना आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा एक अलग सी वीडियो में, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, बहुत ही प्यारी सी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।